जय द्वारकाधीश। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमलता यादव पर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है आज। तो आज के दिन हम लोग इस दिन को, उनको बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इस वजह से आज के दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे और हैप्पी बर्थडे ऋषभ। आज है मेरे भाई ऋषभ का जन्मदिन, तो गॉड ब्लेस यू ऋषभ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। खूब तरक्की करो मेरे भाई, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ना और खूब अच्छे अच्छे काम करना। तो एंजॉय योर बर्थडे भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम था, मेरा चाय बिस्किट नाश्ता हुआ था। ये दूसरी बार चाय बन रही थी सुबह सुबह, इन दोनों का नाश्ता तो हो चुका था, बस मैं नहा धोवा के पूजा करके थोड़ा सा लेट चाय पी रही थी। और अब ये सब साफ करके मैं फिर आगे खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से धो रही थी बर्तन बार से, क्योंकि रात में गैस नहीं धुली थी मैंने, और ऐसे कपड़े से पोछो तो थोड़ा सा चिपचिप सा लगता है, इस वजह से मुझे ये धोना ही पसंद है। बस थोड़ा सा फटाफट धो लो तो एकदम से साफ़ हो जाता है, कोई कीटाणु वगैरह नहीं रहते हैं। और ये जो स्क्रब है और ये साबुन, ये बस अलग ही रहता है मेरा, सिर्फ गैस और ये किचन की प्लेटफॉर्म धोने के लिए। तो ये बिल्कुल इसी एक काम के लिए है, इससे मैं दूसरा बर्तन वगैरह कुछ नहीं धोती हूँ। और मैं पूजा के बर्तन धोने के लिए भी अलग ही बर्तन बार रखती हूँ, और जो डेली के बर्तन धुलते हैं उसके लिए भी। तो इस तरीके से तीन बर्तन बार डेली अलग अलग काम के लिए रहता ही है मेरे घर में, क्योंकि ये सब गैस वैस कभी झूठे स्क्रब से नहीं धोती हूँ, वो निरेट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, धोने के बाद बहुत अच्छा साफ़ लगता है, और साफ़ सुथरे में खाना बनाना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आज बच्चों के स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा था, तो आज सबको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेना है। ज्योतिका का स्कूल में भी आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो चाचा नेहरू जी के जन्मदिन को इस तरीके से मनाया जाता है। वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। और देखिए फ्रेंड्स, बस मेरा ये गैस वैस धो गया, पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ चमक रहा था, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने। तो ये लौकी मेरे बगीचे के ही हैं, और ये भी इतनी दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही गलती है, क्योंकि इसमें खाली पानी रहता है, इसको बस नमक डाल के छोड़ दो तो ये आधी हो जाएगी गल के। और मार्केट में तो आज तक कभी मुझे ऐसी लौकी मिले ही नहीं है, जब मार्केट से लाते थे तो वो इतनी कड़क होती थी कि कुकर में भी पकाते थे ना तो वो लौकी गलती नहीं थी। अक्सर मुझे हमेशा जब भी मार्केट से लाए हैं तो आज तक ऐसे ही मिली है मुझे मार्केट से। बस ये बगीचे में जब से होने लगी है तभी से मुझे ऐसी लौकी दिखने लगती है। हाँ, गांव में भी बिल्कुल ऐसी लौकी मिलती है, एकदम पानी जैसी, जिसको पकाओ तो बहुत ज़्यादा ही पानी छूटता है। और मैं यहाँ पे लौकी में थोड़े से चने डाल दे रही थी तो अच्छा लगता है। ये लौका फल रहा है बस इसलिए बना रही थी, बाकी उतनी कोई ख़ास मुझे ज़्यादा लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद आती है, लेकिन थोड़ा सा चना या चने की दाल डाल दीजिए तो अच्छा लगता है मुझको।
थोड़ा सा बीच बीच में एक आध दो चने आ जाए मुँह में तो टेस्ट चेंज होता है। और ये लौकी बहुत ज़्यादा ही मीठी लगती है और बहुत गलती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं बना रही थी लौकी और चना की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बस ये सब्ज़ी चढ़ा के और मैं आटा सान ले रही थी, क्योंकि एक साइड जब सब्ज़ी पकती रहेगी तब तक मेरा ये रोटी भी बन जाएगा। तो बस यही मेरा सब काम चल रहा था सुबह सुबह का, हर दिन का, डेली का यही होता है, भागम दौड़ भागम दौड़। तो देखिए आटा सान रही थी मैं। और फ्रेंड्स आज बहुत सालों बाद मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, द्वारका की, बचपन की मेरी दोस्त, स्कूल ट्यूशन की। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हुई। तो हम मिले भी टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि मेरी बहन ने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली होगी, उसी में उसने देखा और फिर उससे नंबर लिया, तो आज उसका कॉल आया था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। करीब हम लोग 10 या 11 साल बाद आज बात कर रहे थे, क्योंकि मैं कभी द्वारका भी जाती थी तो बस मैंने उसको देखा भी था, तो शायद उतना ही टाइम 10-11 साल पहले। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही पानी छोड़ रही है, बहुत पानी निकल रहा था इसमें से। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको अभी, देखिए कितना पानी छोड़ रहा है, जबकि ये मैंने इसमें एक बूंद भी नहीं पानी डाला है। तो ये बहुत खींचाई लौका है, मैंने दिखाया था आपको जब तोड़ रही थी, तो क्योंकि ये देखने में मोटा सा लगता है तो ये गोल गोल मोटा मोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही खींचा खींचा है। और अभी मेरे बगीचे में बहुत सारी लौकी है, पालक वगैरह भी लगाई है, तो अभी मेरे टमाटर भी फलते हैं बगीचे में, मिर्ची भी। तो आजकल टमाटर यहाँ पे 60-80 रुपये किलो है, तो कुछ तो बचत होती है। और देखिए मेरी ज्योति का आ गई स्कूल से, आज जल्दी ही छुट्टी हो गई थी, 11 बजे ही वो आ गई थी। और बस मेरा भी खाना रेडी था, वो आ गई थी, तो अब फटाफट उसको दे देंगे खाना। बहुत मुश्किल से फुसला के उसको खिलाना पड़ता है, देख सकते हैं आप वो कितनी ज़्यादा पतली है। तो एक बात की बात बताती हूँ मैं आपको, अभी बस पिछले बार अभी सितंबर में ही हम लोग आ रहे थे, तो ट्रेन में एक अंकल आंटी थे, तो वो मुझे बोले कि थोड़ा सा खुद पे कम ध्यान दो और बच्चों को भी खिलाओ पिलाओ। तो मेरे को बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं उन लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी लगी और मेरे बच्चे बहुत पतले, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग खाते नहीं, चाहे जितना मना लो आप, बहुत दिक्कत होता है। हाँ बस इन लोगों को बाहर के पैकेट चाहे जितने दे दो, बहुत खुशी खुशी खाते हैं। इसी वजह से मैं तो उन पैकेट को कचरा ही बोलती हूँ, कि हाँ ये लोग दिन भर कचरा खाने में ही खुश रहते हैं, उसी वजह से उनका तबीयत भी ख़राब होता है, तो बहुत परेशानी हो जाती है मुझको। डॉक्टर मना भी करता है लेकिन ये लोग नहीं मानता है, और मेरे मना करने से कुछ नहीं होता है। इसके पापा भी इन लोगों को चॉकलेट वगैरह ला के दे देते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। ज्योतिका को तो सर्दी है, मैं एक तरफ उसकी सर्दी की दवाई पिलाती हूँ उसको मैंने, लेकिन उसके पापा उसको चॉकलेट खिलाते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरी पहली रोटी बस निकल गई थी और बाहर गाय थी, तो जो जयदीप वही बोलने आया था कि मम्मी गाय है, तो मैं पहली रोटी हमेशा गाय को दे देती हूँ, ये मेरा हमेशा का नियम है। तो वही मैं बोली थी कि जाओ दे आओ गाय को, आपने देखा होगा मेरे बच्चे गाय से कितना प्यार करते हैं, पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो मैं हमेशा पहली रोटी देती हूँ और उसको पता है, वो मांगने ही आता है कि मम्मी गाय की रोटी दो, तो वही वो देने जा रहा था। और मैं पहली रोटी गाय को और लास्ट वाली जो हम सबसे अंतिम में निकालेंगे वो मैं कुत्ते को देती हूँ, वो दोनों रोटी हम कभी नहीं खाते हैं। तो दोस्तों जब बहुत सालों बाद हम अपने दोस्त को अचानक देखते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो वही मैं आज उससे बात कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था। क्योंकि अक्सर लड़कों के लिए बहुत आसान होता है फ्रेंडशिप निभाना, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद
उसे हर अपने ससुराल के नियम मानने पड़ते हैं और वहाँ पे वो फ्री होके कभी अपनी दोस्त से नहीं मिल पाती है या शादी के बाद सब अलग अलग शहर चली जाती है, नंबर बदल गया तो कांटेक्ट भी छूट जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से हम नहीं मिल पाते हैं। लेकिन बस अब नंबर मिल गया था तो मैं खुश थी कि चलो अब हमेशा बात होगी। और यहाँ पे मेरा बस दोपहर का खाना यही हो जाएगा, अभी बज रहे थे 11 ही बज रहे थे, लेकिन फिर मैं अब अलग से नहीं खाना बनाने वाली थी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आज तक जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, नहीं पसंद करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही, जैसे कहवत है ना, बूंद बूंद सागर भरता है, तो वही हालत मेरी है। और मुझे अब एक एक बूंद की कीमत एक एक सब्सक्राइबर के रूप में पता चलती है। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब घटते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बुरा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड प्लीज़। और मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी तो इस वजह से मेरा गला भी ख़राब है, तो कभी कभी मेरी आवाज़ गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अचार का मसाला डाल रही थी, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज के लिए सबको जय द्वारकाधीश। दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ फ्रेंड्स।